क्लियर ही भाई, दोनों भाई मिल गए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है तुम्हारा नेगी साहब के एक और बेहतरीन व्लॉग में। तो तुम्हें थोड़ा शोर आ रहा होगा भाई, पापा देख रहे हैं हमारी नवरात्रि वाली वीडियो। भाई हम एक दिन हमने वीडियो नहीं डाली, मतलब थोड़ा लेट कर दिया, तो वो तुम मैनेज कर लेना। और भाई थोड़ी वीडियो वगैरह देख लो तुम यार, बिल्कुल ही वीडियो नहीं देख रहे। फिलहाल भाई तुम्हारा भाई जा रहा है, अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ मैं आज कॉलेज, उसके कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हें थोड़ी मोटो व्लॉगिंग दिखाएंगे। और पापा आज क्या हुआ आपके साथ, अगर पॉज करो बीच में से। है बाबा आज बेटा 500 रुपये गिर गए मेरे जेब से। हाँ कैसे बताओ। मैं गया था चिकन लेने, मैंने फ़ोन निकाला, पता नहीं उस टाइम गिर गया, मुझे पता नहीं लगा कब गिर गया। 500 रुपये नुकसान हो गया, बहुत बुरा लगा मुझे। पापा ने और चिकन भी कटवा लिया था मुर्गा। मैंने उसको बोला चिकन काट 1 किलो, मैंने चिकन कटवाया तो जेब में डाला, पैसे नहीं, तो उसी रास्ते वापस आया, कुछ नहीं मिला। मैं तब से पता लेटा ही हूँ मैं। पापा का मन था चिकन खाने का, मंडे है ना आज, नवरात्रि भी खत्म। चलो कोई नहीं, परसों देख लेंगे फिर। मैंने तुम्हें बोला भी होगा वीडियो में कि पापा कहना हुआ चिकन बनाएंगे इसके बाद, पर भाई अब क्या कर सकते, पैसे ही नहीं हमारे पास, गरीब लोग हैं हम, क्या करें। तो भाई फिलहाल अपन जा रहे हैं, और ठीक है तुम्हें थोड़ी मोटो व्लॉगिंग देखना है इसके बाद। तुम्हारे भाई ने आज पेंट और ये पहनी है, क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही है ना, धूप वगैरह दिखाता हूँ मैं तुम्हें, धूप वगैरह होती है ना। अरे यार क्या शोर हो रहा है, रुको दो एक मिनट। तो धूप वगैरह होती है ना, तो मतलब बंदा फिर काला वाला हो जाता है, इसलिए फुल सब पहना हुआ है। बाकी तुम्हारा भाई देखो पतला हो चुका है पहले से, पहले एकदम सही, मतलब पूरी टी शर्ट ही टाइट आती थी तुम्हारे भाई को, पूरी एकदम फिटिंग वाली। अब देखो डोलो से भी हल्की हो रही है, मतलब क्या करे भाई, कमजोरी आ गई है। चलो कोई बात नहीं भाई, चलते हैं अब सीधा वहाँ, तुम्हें दिखाएंगे थोड़ी मोटो व्लॉगिंग के लो मजे। गाइस फिलहाल अपन निकल रहे हैं, अपन ने स्कूटी वूटी फुल साफ करी है, चाई जा रहे हैं, ठीक है अंदर जाओ, गर्मी होती पिए। तो भाई चलते हैं यार। हाँ तो भाई इसको पहले अपन करेंगे सुपर व्यू पे है ये, इसे वाइड पे करते हैं, क्योंकि यार सुपर व्यू पे ना फिर तुम्हें प्रॉपर पूरी रोड नहीं दिखेगी। तो भाई अपन ने कर लिया सुपर व्यू पे से, ओ वाइड पे से सुपर व्यू को हटा के। हाँ भाई क्या दिक्कत है। तो भाई ये जशन भाई व्लॉग देख लेना कल का, जिसने देखा कंजक वाला। बाकी चलते हैं भाई बीच में, पहले पेट्रोल डलवाएंगे फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि ना फिर यार वीडियो लंबी हो जाती है, फिर गोप्रो की बैटरी भी ओवर हो जाती है। भाई बहुत ज़्यादा करारी धूप है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता इतनी करारी धूप है, बस क्या ही पूछोगे तुम, मैं बता भी नहीं सकता। भाई फ़िलहाल डलवा रहे हैं पेट्रोल पर, पहुँच चुके अपन, डलवाते हैं यार 99 का पेट्रोल, जैसे कि अपन डलवाते हैं हर बारी, 99 का सही रहता है। अब यार भीड़ हो रही है। तो भाई इस प्लान में थोड़ा बदलाव आ गया, तो हम सीधा जा रहे हैं मम्मी के वहाँ, क्योंकि हर्षिता क्या नाम है उन्होंने फ़ोन किया, वो भाई धूप में कहाँ खड़ी रहेगी, तो वो कह रही है काम करती हूँ मैं, आ जाती हूँ मम्मी के वहाँ तक, तू भी मम्मी के वहाँ तक आ जा। वैसे हम दोनों मम्मी के वहाँ ही जा रहे थे, तो कोई बात नहीं, अब सीधा मम्मी के वहाँ चलते हैं। बाकी थोड़े बहुत मोटो व्लॉगिंग देखो तुम, तुम्हें पता ही है भाई कोई ना कोई बेवकूफ़ मिलेगा जिसको मैं थंबनेल पे लगाऊंगा, तुम चलो तुम देख लेना, या हो सकता कुछ और थंबनेल पे लगाऊं, क्योंकि लोग देखो यहाँ ना जो मैं दिखाता है ना तुम्हें कूड़ादान, वो देखो यहाँ नया कूड़ादान बन रहा है देखो घर जैसा, ठीक है, और यहाँ देखो कूड़े का ढेर देखो, तुम बोलोगे यार कूड़ा दिखाता है, पर ये देखो भाई तुम कूड़े का ढेर तो देखो एक बार, तभी तो गाय मरते हो, देखो प्लास्टिक खा रही हो, देखो वाली गाय देखो प्लास्टिक की बनी, देखो ये देखो, तभी तो गाय मर जाती हैं। नफरत का सिला तूने, धोखा किया तूने, तुम्हारे भाई को गाना वाना तो आता नहीं, बट क्या करे भाई ऐसे गा लेते हैं, बोर तो नहीं होते फिर। चलो हरी बत्ती है, पर यहाँ कोई ना कोई समझदार ना रोड टापता है, तुम्हें पता हो तो। बेटा इतनी गंदी लू चल रही है ना, गर्म हवा गर्म हवा, तुम टाइम मेरे हिसाब से कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं 2:30 बज रहे हो, तुम लू नहीं बता सकता मैं तुम्हें कितनी गर्मी चल लग रही है, ये देखो इसलिए मैंने फुल पहनी थी, और अभी मेरे अंदर ना गर्म हवा जा रही है, गर्म हवा। अब तुम स्पीड देखो, अब स्पीड तो मेरी इतनी है, पर तुम्हें समझ नहीं पता कितनी गर्म हवा जा रही है तुम्हारे भाई के पास। ओ तेरी का बड़ा ब्रेकर सा बनाया है रोड के बीच में, भाई कुछ बताओ यार, वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे आजकल, क्या हो गया तुमको, 100 भी नहीं पार करवा ले, पहले तो 100 यूँ पार हो जा रहे थे, अब 100 व्यूज़ भी नहीं आ रहे, क्या कर रहे हो यार, देखते क्यों नहीं तुम लोग, बताना मुझको ज़रा, देखो यार थोड़ा देखो देखो ज़रा, थोड़ा सपोर्ट बनाओ। ओ नो 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 नो, निकल गए, सॉरी सॉरी सॉरी, हम निकल गए हम निकल गए हम निकल गए, इस बार गलती हमारी है, हमने लाल बत्ती टाप दी। भाई यार थोड़ा फिर तुम्हें पता धूप में खड़ा होना पड़ता है, थोड़ा करना पड़ता है थोड़ा मैनेज, ये भी हाथ दिखा के पार करने वाले थोड़े लोग हैं,
वो तुम समझ सकते हो। नफरत कैसी लहजा, ओ मैं भाई गलती से हल्का सा कट मार रहा था। नफरत का जिला जालिम, धोखा किया तूने। ये ब्रेक अभी तक नहीं लगी, टाइम की भी बात है यार, थोड़ा टाइम वाइम का भी सिस्टम है, इसलिए ब्रेक वगैरह नहीं लगवाई, अभी लगवा लेंगे थोड़ा। हाय राम, कल से हमारे स्कूल चालू है। हाय राम मैंने इस वजह से नहीं बोला, कल से स्कूल चालू है। सामने जो जाम दिख रहा है ना, उसने हाय राम निकला है, क्योंकि इस धूप में ना क्या बताएं भाई 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 भाई, अब कैसे जाऊंगा मैं, इतनी गर्मी इतनी धूप ऊपर से इतना जाम, आई कांट कंट्रोल ब्रो। भैया हमें जाने दो, बस वाले भैया हमें जान दो। ओ भाई तुम्हारी कसम, जाम देखो अभी 2 घंटे कहीं नहीं गए, वो एंड तक जाम है पुल के ऊपर भी। अबे यार वो वाली कहावत याद आ रही, किस्मत ही हो चुड्डू चुड्डू नहीं तो की करेगा बोनवीटा का दुद्दू, पता नहीं शायद इसका था, वो क्या नाम है, दिलजीत दोसांझ का डायलॉग, किस्मत ही हो चुड्डू तो की करेगा बोनवीटा का दुद्दू, बस वही है। अच्छा हुआ मैंने उसको बोल दिया मम्मी के इधर आ जा, वरना तो अभी सालों लगने थे। किस्मत का सिला तूने, धोखा किया तूने। भाई थोड़ा गाना वाना नहीं आता तो थोड़ा सह लेना। बाकी कोई आंटी तो बाहर आ रही है ऑटो से, क्या हो गया आंटी को, आंटी बाहर काहे आ रही है भाई ऑटो से, रुको तो मैं दिखाता हूँ। अबे धीरे धीरे चल रहा है बस मामला हमारा भी। ये आंटी बाहर बैठी है लग रहा है मुझे, ड्राइवर अंकल के बगल में, रुको दिखे तो तुम्हें दिखाऊं। मेरे को लग रहा है आगे किसी गाड़ी वाड़ी ख़राब हुई है, देखो ये आंटी नहीं थी, ये शायद वो क्या कहते हैं किन्नर से शायद, इसी वजह से वो भाई पूरा ऑटो भरा हुआ है, बाहर निकले हुए थे इधर भी, इस ऑटो में से भी कोई बाहर। ओह गर्म हवा, मैं बता नहीं सकता, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकता, इतनी गर्म हवा आ रही है कि क्या बताएं। कार होती ना तुम्हारे भाई पे, क्या करें भाई, गरीब लोग हैं, कार खरीदने की औकात नहीं है। कोई नहीं, एक दिन आएगा हम भी ख़रीद लेंगे एक कार। अब तुम तो समझ सकते हो यार, कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई बंदे के पास होटल है, बंदे पे बड़ा पैसा है। रुकनी रही भाई साहब, दोनों ब्रेक मार देता हूँ मैं भाई, क्योंकि ना एकदम से फुल स्पीड में ना रुकती नहीं है, क्योंकि ब्रेक नहीं है ना तो समझ लो फिर ठुकनी है। अब नॉर्मल स्पीड में रुक जाएगी, अभी ये स्पीड में चल लेना 40 की, अब 70-80 में नहीं रुकती। आगे भी जाम है वो तो मुझे दिख के पता चल रहा है, क्योंकि इस तरफ खुला है तो उस तरफ जाम होगा, पीछे कार वाले भैया को जाना है। पता नहीं यार, कल से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरा मतलब ना मन बहुत अजीब सा हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा, कुछ खाने पीने का मूड नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। मतलब बंदा है ना, मतलब बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा, मतलब जिम जाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ करने मतलब कुछ नहीं करने का दिल कर रहा, गेम खेलने का भी दिल नहीं कर रहा। पता नहीं यार क्या हो रहा, पर परेशान सा हो रहा हूँ मैं, क्या करें, निकालेंगे कोई हल उसका भी, चलते हैं। बाकी पापा ने बेचारे ने 500 रुपये गिर गए मेरे पापा के, उन्होंने मुर्गा तक कटवा दिया था, जिंदा मुर्गा मतलब होता ना कि चल यार डाल दे वो भी भाई, अब देखो बंदे की जेब से पैसे गिर के बंदा परेशान। बाकी जाम हो रहे हैं यहाँ, तुम देख सकते हो धूप बहुत करा रही है, तुम सोच नहीं सकते, तुम गोपरों में देख के थोड़ा कैसे पता चलेगा तुम्हें। साथ में चल रही है फॉर्चूनर, ओ मैं पीछे के चक्कर में, ये ऑटो वाला पोंप वोंप वगैरह जा रहा है, चूर सॉरी गाली नहीं देता मैं, मैंने गाली दी नहीं, कभी कभी निकल जाती है भाई, वो कह रहे ना मेरे मुंह से निकल गई, पर निकली नहीं भाई, बच गई। राइट लेते तुम्हारी लेफ्ट साइड पे तुम्हें होटल दिखेगा, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, थोड़ा रास्ता बता ही देता हूँ। A6 पश्चिम विहार, ये देखो ये अपन ने लिया यहाँ से राइट, ये देखो दो बंदों में चिल उड़गी, देखो ये चिल उड़े जाती कभी कभी लोगों में ना। यहाँ बेचारे भैया का रिक्शा ख़राब हो गया, तुम्हें दिखाता हूँ, देखो 30 मार्ट। अब इसके आगे देखो, यहीं देखो यहाँ तुम्हारा डोमिनोज है, ठीक है इसी रोड पे, ठीक है ये खाने पीने की सारी जगह, डोमिनोज आ गए तुम्हारा। अभी तुम्हें और दिखाता हूँ, देखो
पिज़्ज़ा हट भी है यहाँ पे, सब कुछ है एक ही रोड पे। इस रोड पे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ देखो ये खाने पीने का ड्रिंक्स वगैरह सब सब रखी हुई है। ये गन्ने वन्ने का जूस हो गया, ये दूध वगैरह सब यहाँ से मिलता है। यहाँ थोड़ी मंडी टाइप की होगी फल फ्रूट के लिए छोटी सी, इस साइड को राइट को देख सकते हो। ज्ञानी व्यानी भी है एक पैक, नहीं हाँ ज्ञानी है वहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ। बाकी भैया पीछे ऑन मार रहे थे, देखो ये भी फल फ्रूट की छोटी छोटी दुकानें मार्केट टाइप की, और यहाँ भी खाने पीने का सारा चाइनीज़ फूड वगैरह मिलता है। बाकी अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो आगे पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज, डोमिनोज तो दिखा दिया, अभी राइट साइड में तुम्हारा रेमंड, ठीक है। अब ये आ गया पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा हट के एक बगल के बगल वाला देखो ऊपर लिखा मलिक हॉस्पिटल के जस्ट नीचे। तो अपन फ़िलहाल पहुँच चुके हैं, कहाँ खड़ी करें स्कूटी अपनी, चलो मिल गई जगह। चलो भाई, बड़े दिन हो गए भाई, रामू से भी नहीं मिले, और रामू तो नहीं है, थोड़ी हवा खाएं। रामू भी नहीं है, लिफ्ट भी खुली है सामने की, अगर ये ऐसे खुली रहती है ना तो कोई ऊपर से कोई जा नहीं सकता ऊपर, क्योंकि अगर ये लिफ्ट बंद नहीं होती तो ऊपर नहीं जाती, इसकी एक प्रॉब्लम है। और ये हमारे फ्लोर पे भी नहीं जाती, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, जाती नहीं। चलो 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 पहुँच गए, एक फ्लोर और, सेकंड फ्लोर पे है ना। थोड़े गमले रखे हुए हैं तो सूख गए गमले आ रही, तो ये क्या धोखा, यहाँ भी गमले सूखे हुए पड़े हैं। बजाओ घंटी, खोल लो जितिन भैया, मैं हूँ खोल ही नहीं, आप सो रहे हैं बैठ के। नहीं नहीं हीरो क्या, मैंने कहा गर्मी हो रही है ना, धूप हो जाती है फिर ऐसे ही, हंसता भी आ ही रही है। हाँ बाकी तुम देख सकते हो भाई, बड़े दिनों बाद आया हूँ मैं भी। हैं हाँ, और मम्मी कैसे हो? बढ़िया भाई, तुम देख सकते हो अपना सेटअप, बाकी दिखाएंगे तुम्हें। बिल्लू का है मम्मी, और एक दो बिल्लू अभी तुम्हें दिखाता हूँ, बिल्लू और बिल्लू का भाई नीचे आए हैं, देखो इसके तुम्हें दिखेंगे नहीं। अरे बिल्लू देखो, तुम्हें दिखाता हूँ, लाइट ऑन करनी पड़ेगी फोन की, देखो अरे बिल्लू और बिल्लू का भाई पीछे, देखो उसके बिल्लू, बिल्लू का भाई उसके आगे, देखो बाहर आ जा, आ जा आ जा, इसको निकालता हूँ और फिर तुम्हें दिखाता हूँ। तो शायद पहले वाली हमारी बिल्लू थी, ये रही भाई, दोनों भाई मिल गए हैं, देख सकते हो तुम। बिल्लू दो दो बिल्लू देखो, ये बस वही खाते हैं कीजिए, आ जा ले तेरा भाई, ये रहा किडनैप कर लूंगा मैं, आ जा बिल्लू बुला अपने भाई को बुला, देखो भाग रही है, देखो देखो भाग रही है, देखो 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 कैसे खाएंगे दोनों, देख लगी तो एकदम आ गया। वो तुम्हारी रोशनी ऑन करता हूँ फोन की, तो फिर दिखेगा नहीं, हाँ दिख रहा होगा तुमको। क्या है भाई, क्या है कालू, अभी खा रहा कालू, मैं आऊँ वो एक बोल रहा, देखो उसके पीछे दो दो हो गए एक साथ, इधर आ, ये देखो दोनों भाई दो दो बिल्लू, दोनों भाई हैं भाई सगे, ये देखो खेल रहे हैं, देखो अब दोनों मिल गए ना, इसलिए अब शोर नहीं मचा रहे, कल रात को इन्हें सोने नहीं दिया मैं, मुझे पता नहीं चल रहा बिल्लू कौन सी है, दोनों ही सेम सेम है, अब कैसे पता लगाएं भाई।
तो बस फिलहाल अपन पीने जा रहे हैं लस्सी। ये रही अर्षिता, ये रही मम्मी। भाई मम्मी फिलहाल देख रही है अपना पहले वाला व्लॉग। ये तुमने नहीं देखा तो भाई जाके देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चार तुम्हें मज़ा आएगा। बच्चे बड़े भाई बड़ी हरकतें कर रहे थे, तुम देखना है भाई। बाकी पीते लस्सी, मेरी फेवरेट लस्सी है मीठी वाली, ट्राई करना अगर तुमने नहीं करी। अगर तुम्हें लस्सी वगैरह पसंद है तो एक बार ट्राई करना, तुम मज़ा आएगा। 20 रुपये की है। देखो भाई तुम देख सकते हो, दोनों देखो साथ में खाना खाती हैं, खाता है मतलब खाती हैं बोल रहा हूँ। तो फिलहाल मैं और रश्ता जा रहे हैं घर, मम्मी तो लेट आई है। मम्मी लेट आऊँगी, देखो बैठी हुई माराने की तरह। टाइम तुम देख सकते हो 8 बज गए, तो भाई चलते हैं घर। चल बहन, चलो चलो। क्या देख रही है, कैसे जा रहे हैं? स्कूटी से? हाँ मेट्रो से जा रहे हैं। स्कूटी कहाँ? लस्सी ले लेंगे। कोई नहीं, लस्सी पियेंगे, पिज्जा खिलाएंगे। तो भाई तुम्हारा भाई पी रहा था जूस। तुम भाई मीट की दुकान पे भीड़ देख सकते हो, मतलब कितनी बाइकें खड़ी हैं देखो, नवरात्रि खत्म होने की खुशी में। तो भाई थोड़ी खबर में आ गई है चेंज, जैसे कि स्कूल चालू होना था कल से, वो अब और पोस्टपोन हो गए, 21 से हो चुके हैं। बहन क्या किया था? बहुत बढ़िया, एंजॉय करो। क्या बढ़िया, घर में बैठा बंदा क्या करेगा, घंटे का एंजॉय। पर बंदा क्या करेगा घर में बैठा, बताओ तुम। अब थोड़ी गेम खेलता हूँ, सुबह से अब गेम खेलूंगा थोड़ी सी। टाइम देख लो 9 बज गए, थोड़ी बहुत खेल के रख देंगे गोड़ पोस्ट।